सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और यदि आप इस बार 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक ऐसे टॉप कॉलेज में जहां से क्या हो, आपका कोर्स ऑन द टाइम कंप्लीट हो, क्लासेस चले ऑन द टाइम पे और सारी चीज़ें क्या हो, एकदम से टॉप लेवल से सारी काम हो, वैसे सिचुएशन में यदि इस बार आप 2024 में यदि आप अपना बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, यानी बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और यदि आप एक गर्ल्स है, यदि आप एक लड़की है, तो ऐसे में एक बेहतर ऑप्शन आपके पास मिलता है पटना वुमेन्स कॉलेज का एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी जहां से आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं। तो इस पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से बीएड के कोर्सेज को चलाया जाता है इसके वुमेन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और इस कॉलेज में यानी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना नंबर आपको एंट्रेंस में लाना होता है, एडमिशन का चार्ज कितना है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो सारी चीज़ें हैं उसको आप समझ सके। और यदि आप इस बार टॉप कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज के जो फैकल्टी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपके लिए क्या है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब बात करेंगे कि पटना वुमेन्स कॉलेज का ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पहले ये इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, या पहले इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही समझते हैं। देखिएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है और ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। पटना यूनिवर्सिटी पूरे बिहार की नंबर वन यूनिवर्सिटी, और इस नंबर वन यूनिवर्सिटी के साथ ये कॉलेज एफिलेटेड है, इसका डिपार्टमेंट एफिलेटेड है, मीन्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ से आप अपने बीएड के कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा आने वाले 2024 to 2026 वाले सेशन में। तो इसमें ये तो एक पहली बात कि एक टॉप यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, दूसरी बात क्या है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी में भी टॉप एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी पटना वुमेन्स कॉलेज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ से बीएड का कोर्स चलता है, जहाँ से बीएड का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, ये क्या है, एक तो टॉप कॉलेज भी है, दूसरा क्या है, टॉप टॉप डिपार्टमेंट भी है, तीसरा क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी भी है। इट मीन्स ऑल ओवर क्या है, ये टॉप है, क्योंकि इसके पास नैक का ए ग्रेड है। और जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज के पास नैक का ए ग्रेड होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, उसके इंडिया के टॉप कॉलेजेस, टॉप डिपार्टमेंट के लिस्ट में उनका नाम है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज के बीएड के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट बात आता है कि ये जो बीएड कॉलेज है, ये जो बीएड के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसको लेकर के जिस यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि बिहार में जो बीएड में जो एडमिशन होता है, बिहार में जो बीएड कोर्स में एडमिशन होता है, इसके लिए आपको टेस्ट देना होता है, और इस टेस्ट को पिछले 3-4 सालों से कंडक्ट करा रही थी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। यानी जो बिहार के गवर्नर साहब है, वो क्या करते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, उनको इनका नोडल ऑफिसर बनाया जाता था। यानी कि जो जितने भी सारे बिहार में यूनिवर्सिटीज है, लगभग 17 यूनिवर्सिटी है, और 17 यूनिवर्सिटी में कई सारे बीएड कॉलेज हैं, और वो सारे बीएड कॉलेज, तमाम जितने भी सारे बीएड कॉलेज हैं, इन तमाम जो बीएड कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस है, वो होता है आपके बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके किसके बारे में, तो पीडब्ल्यूसी यानी पटना वुमेन्स कॉलेज का एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां से आप क्या करते हैं, आप अपना बीएड के कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जहां से आप अपना बीएड का कोर्स क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। अब इस बीएड कोर्स में एडमिशन, इस पटना वुमेन्स कॉलेज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करना है इस बीएड कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको स्टोरी क्या बता रहा हूँ, मैं आपको कहानी क्या बता रहा हूँ कि बिहार के जितने भी सारे बीएड कॉलेज है, इंक्लूडिंग पटना वुमेन्स कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो बिहार के जितने भी सारे बीएड कॉलेज है, ये सारे कॉलेज में जो एडमिशन होता है, ये किस बेसिस पे होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको इस साल यानी 2024 में इस पटना वुमेन्स कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, तो आपको भी टेस्ट देना होगा। पहली चीज हो गया, टेस्ट जो कंडक्ट कराती थी, ये कंडक्ट कौन कराती थी, एलएनएमयू यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसको क्या बनाया गया था, नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। हालांकि इस बार 2024 का नोडल यूनिवर्सिटी किसको बनाया जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को या किसी और यूनिवर्सिटी को, ये भी कहना चीजें फिक्स नहीं है, ये चीजें अभी आगे पता चलेगी।
और इसी फरवरी के महीने में एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि मिड ऑफ फरवरी 15 से लेकर के 17 फरवरी के आसपास में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी नोडल यूनिवर्सिटी बनेगी, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी पूरा टेस्ट कंप्लीट कराएगी, पूरी एडमिशन प्रोसेस की जो जिम्मेदारी है वो किस यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, ये भी कहना फिक्स नहीं है। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, मिड ऑफ फरवरी में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस बार यानी 2024 में इस वुमेन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो पहला प्रोसेस क्या, अगर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं अब आपसे कि व्हाट बी द प्रोसेस फॉर द एडमिशन, तो प्रोसेस सिंपल सा है। पहले आपको अप्लाई करना है, अप्लाई जब स्टार्ट होगा उम्मीद है कि कब, मिड ऑफ फरवरी में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, मिड ऑफ फरवरी में इसको रखते हैं। अप्लाई करना है, अप्लाई कहाँ से होगा, तो ये किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, बिहार बीएड सीईटी आपको इसके लिए अप्लाई करना है, यानी बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए आपको अप्लाई करना है। ये क्या होगा, 2024 के लिए आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, अप्लाई कब होगा, मिड ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेप में है, अप्लाई करने के बाद इसके एंट्रेंस के टेस्ट को आपको देना है, एंट्रेंस टेस्ट को देना है। अगर बात करें कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है, तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और अगर 120 क्वेश्चन में से अगर आपका 90 प्लस होता है तो समझ लीजिए कि आपको ये जो पटना वुमेन्स कॉलेज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये 100% आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ये 100% आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो वुमेन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है पटना वुमेन्स कॉलेज का, ये एक तो वैल्यूबल है, इसके पास नए का ए ग्रेड है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा है, इसलिए नंबर भी आपको क्या करना है, ज्यादा लगा। ऐसे कायदे से ये प्राइवेट कॉलेज है, तो बहुत के माइंड में आता है कि प्राइवेट कॉलेज तो एडमिशन का चार्ज ज्यादा लेता है, तो अगर मेरा आउट ऑफ 120 अगर मेरा 40-50 भी हो तो क्या हो जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूएबल कॉलेज है तो कंपटीशन भी ज्यादा है, और मेन मत है कि ये कॉलेज टॉप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, टॉप डिपार्टमेंट है, अच्छी फैकल्टी है, इसके कारण से इसके लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि आप आउट ऑफ 120 90 प्लस तो आपको लाना ही चाहिए। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कैसे करें, एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड और भी आगे बात करेंगे। अब इसके साथ बात करते हैं कुछ और बातों के बारे में कि इसमें एडमिशन का चार्ज कितना है, इसका लोकेशन क्या है और भी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये पहली बात, ये जो डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो कॉलेज है ये क्या है, पटना यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है और इसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना वुमेन्स कॉलेज। ये क्या है, ऑटोनोमस है पटना यूनिवर्सिटी का। इसका लोकेशन क्या है, बेली रोड पटना में है, और इसमें जो टोटल सीट है ये कितना है, 100 सीट है, तो सीट भी कम है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके साथ में ये हो गया एचओडी का नाम, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सिस्टर एम रश्मि जी के हाथ में है। ये क्या है, यहाँ के एचओडी हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 2 ईयर का जो कोर्स है जो कि क्या है, बीएड है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन है, यानी यदि आप एजुकेशन के फील्ड में बैचलर्स करना चाहते हैं तो इसमें कितना आपको चार्ज पे करना पड़ेगा अगले 2 साल में, तो पूरा जो चार्ज पे करना है वो क्या है, 1,89,496 रुपया क्या है, इतना रुपीज आपको पे करना होता है पूरे इस कॉलेज से, इस डिपार्टमेंट से आपको बीएड के कोर्स करने के टाइम में, जिसमें से फर्स्ट ईयर में यानी जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसको इस तरीके से कहते हैं, यानी पूरी कोर्स करने में आपको आपको कितना खर्च पड़ेगा, तो 1,89,496 रुपया, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना खर्च होगा, तो ये खर्च होगा 51,498 रुपीज, इतना आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ये कॉलेज के बारे में बता ही दिया हूँ कि ये क्या है, ये कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और ये हालांकि माइनॉरिटी कॉलेज भी है, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस था, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से अप्लाई कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जैसा नंबर आएगा उसके अनुसार से फिर काउंसलिंग कीजिएगा। तो काउंसलिंग में क्या करना है, आपको इस कॉलेज को चूज करना है। चलिए इसको सिंपल सा एक चीज और छूट गया जो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, जो पहला प्रोसेस है आप क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस का टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग के लिए फिर आप अप्लाई कीजिएगा, मतलब जैसा आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पे आप क्या कीजिएगा, काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा। काउंसलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने चॉइस को फिलअप करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में या कौन कौन सा डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा तो फिर पटना वुमेन्स कॉलेज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको आप ऊपर में रखिएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी पे। इसके बाद आपका क्या आएगा, चौथा स्टेप में सिलेक्शन लिस्ट आएगा, या कह सकते हैं मेरिट लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा या फिर कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट आएगा।
फिर नेक्स्ट काम क्या है, मेरिट लिस्ट को चेक कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पटना वुमेन्स कॉलेज का एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो फिर पांचवें स्टेप में आप क्या कीजिए, डिपार्टमेंट विजिट कीजिए और फिर एडमिशन का चार्ज जमा कीजिए और फिर क्या कीजिए, फर्दर एडमिशन के प्रोसेस को कीजिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कराइए और फिर आपका एडमिशन हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है पूरे एडमिशन का। अब यहाँ पे आपको पता चला कि पटना वुमेन्स कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, इसके एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना है। और एंट्रेंस टेस्ट पूरे बिहार लेवल पे होता है और उसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसमें से आपको क्या लाना है, उसमें से 90+ के आसपास आपको लाना है। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, मीन्स एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि एडमिशन के चार्ज के बारे में आपने जान लिया, कोर्स 2 साल का होता है, कहाँ लोकेशन है कॉलेज का, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो एक चीज और बाकी है, चलिए इसको भी बता देते हैं कि क्या है इसके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। सो चलिए एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात क्या है कि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है, इसको लेकर के मार्केट में गाइड ये सब भी आ चुके हैं, बट अभी अगर अभी के पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें इस प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। और अगर बात की जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के टोटल 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 15 नंबर। इसके बाद जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन, इसके साथ तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तार्किक यानी एनालिटिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी आपका रीजनिंग होगा। और ये रीजनिंग कितना होगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, तो टोटल 25 नंबर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ये आपका क्या हो जाएगा, 25 क्वेश्चन। और इसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा 45 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के क्या होगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन जो बिहार में पहले टेस्ट हुए, टेस्ट का जो सारा क्वेश्चन का जो पीडीएफ है यानी जो पीवाईक्यू है, ये सारा पीवाईक्यू आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल भी होता है। तो यही रहा इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, जिस पैटर्न के बारे में डिस्कस मैंने किया कि द क्वेश्चन विच शैल हैव 120 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एंड ये मैंने आपको बताया अभी कि क्या क्या होगा। तो इसमें यही सारी चीजें बताई गई कि जनरल इंग्लिश, तो इसका जो पैटर्न है और इसका जो पीवाईक्यू है, ये सारा कुछ आपको हमारे अपने ऐप पे मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है और इसके बाद जितना भी सारा पीडीएफ है, जितना भी सारा जो पिछले साल के जो पीवाईक्यूज है, इसमें से जो बीएड का जो टेस्ट हो रहा है, ये पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, ज्यादा पुराना नहीं है। ये टेस्ट आपका कब से हो रहा है, 18 से हो रहा है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कह सकते हैं कि अपना जो टोटल है, ये 6 सालों से टेस्ट अपना चल रहा है। तो 6 सालों का जो पीवाईक्यू है, जो पिछले 6 साल में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का पीडीएफ हमारे आपको ऐप में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल से ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और इसके बाद रजिस्टर होइए। और स्टडी मटेरियल में जाने के बाद पीवाईक्यू के सेक्शन में आपको बिहार बीएड का जितना भी सारा पीवाईक्यू है, जितना भी सारा अब तक का एग्जाम हुआ है, सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं। आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि इससे रिलेटेड और भी स्टडी मटेरियल्स आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में 120 में से आराम से 90-90+ आ सके, ताकि आपका बिहार के टॉप कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज के टॉप जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये आपका एडमिशन हो सके। तो उम्मीद करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके आपके लिए बताया अभी। सो आई थिंक वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट क्यों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।